हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। आज हम लोग देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये उसका सेकंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के डेंसिटी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि वेट ऑफ ब्रिक्स। आइए देखते हैं वेट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का वेट जनरली 1600 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वेट ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 1600 टू 1920 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट मटेरियल इज ब्लॉक वर्क। ब्लॉक वर्क का वेट 1920 केजी पर मीटर क्यूब होता है। जब भी इंटरव्यू में ब्लॉक का वेट पूछा जाएगा तो हम 1920 केजी पर मीटर क्यूब आंसर करेंगे। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेट ऑफ आरसीसी। व्हाट इज द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज 2310 टू 2700 केजी पर मीटर क्यूब। आरसीसी का वेट 2310 से लेके 2700 केजी पर मीटर क्यूब होता है। जनरली हम लोग आरसीसी का 2400 केजी पर मीटर क्यूब कंसिडर करते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूरिंग। क्यूरिंग देख लेते हैं हम लोग। क्यूरिंग में अगर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स और टाइप ऑफ सीमेंट अगर डिफरेंट यूज हुआ है तो उसके लिए क्यूरिंग का टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि सुपर सल्फेट सीमेंट के केस में क्यूरिंग पीरियड 7 डेज होता है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के केस में मिनिमम 10 डेज क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज लेटर स्ट्रेंथ, हेंस क्यूरिंग शुड बी प्रॉपरली डन। मिनरल्स एंड एडमिक्सचर्स एडेड सीमेंट के केस में क्यूरिंग 14 डेज तक करना चाहिए। ये जनरल वैल्यूज हैं क्यूरिंग की डेज में कि हमें कंस्ट्रक्शन के बाद क्यूरिंग का कितना करना चाहिए वो हम लोगों ने देख लिया है। आइए डी शटरिंग टाइम देखते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रिपिंग टाइम के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिपिंग टाइम से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं स्पेशली इंटरव्यूज में। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का स्ट्रिपिंग टाइम या फिर डी शटरिंग टाइम क्या होता है। फर्स्ट हम लोग कॉलम्स, वॉल्स, वर्टिकल फॉर्मर्स देखेंगे। जो भी वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जैसे कि कॉलम, वॉल्स, वर्टिकल फॉर्मवर्क्स, जहां जहां पे भी यूज होते हैं जिन जिन मेंबर्स में या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, उसका स्ट्रिपिंग टाइम या डी शटरिंग टाइम 16 से 24 आवर्स होता है। फॉर कॉलम्स, वॉल्स, वर्टिकल फॉर्मवर्क्स डी शटरिंग टाइम इज 16 टू 24 आवर्स। नेक्स्ट है सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, स्लैब के नीचे का जो पोर्शन है उसका जो स्ट्रिपिंग टाइम है या फिर डी शटरिंग टाइम भी बोल सकते हैं आप, वो 3 डेज होता है। जनरली 3 डेज फॉर सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स।
उसके बाद प्रॉप्स को भी रीफिक्स करना पड़ता है रिमूवल के बाद। आइए सॉफिट टू बीम प्रॉप्स देखते हैं। बीम्स के केस में सॉफिट में क्या है, 7 days, यहां पे बीम्स के केस में सॉफिट टू बीम्स में 7 days, और सेम थिंग यहां पे भी होगा, प्रॉप्स टू रीफिक्स आफ्टर रिमूवल। नेक्स्ट है स्पैनिंग अप टू 4.50 meter, अगर स्पैन है 4.5 meter तक तो फॉर्म वर्क हम लोग 7 days के बाद रिमूव कर सकते हैं। अगर स्पैन 4.5 meter से ज्यादा है, मींस स्पैनिंग ओवर 4.5 meter, देन द स्ट्रिपिंग और डी शटरिंग टाइम शुड बी 14 days। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से हमारा स्ट्रिपिंग टाइम्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। आइए आर्चेस के केस में देखते हैं। आर्चेस स्पैनिंग अप टू 6 meters, अगर आर्च का स्पैन 6 meter तक है या 6 meter से कम है तो स्ट्रिपिंग टाइम या फिर डी शटरिंग टाइम 14 days होता है। अगर आर्च 6 meter से ज्यादा स्पैन कर रहा है, आर्चेस स्पैनिंग ओवर 6 meter, देन द शटरिंग टाइम, डी शटरिंग टाइम और स्ट्रिपिंग टाइम शुड बी 21 days। आप यहां से नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्पैन की वैल्यू ज्यादा हो रही है, स्पैन ज्यादा हो रहा है तो डी शटरिंग टाइम या फिर स्ट्रिपिंग टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे कुछ, जैसे कि कॉलम्स के केस में हम लोगों ने देखा, वॉल्स के केस में डिस्कस किया, या फिर वर्टिकल फॉर्मवर्क्स जहां जहां भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे वहां पे स्ट्रिपिंग टाइम 16 से 24 आवर्स होगा। फिर हम लोगों ने सॉफिट देखा, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स के केस में हम लोगों ने 3 days देखा, एंड सॉफिट टू बीम प्रॉप्स में 7 days हम लोगों ने इसकी वैल्यू देख ली, किसकी, स्ट्रिपिंग टाइम की या फिर डी शटरिंग टाइम की, या फिर इसको फॉर्म वर्क रिमूविंग टाइम या रिमूवल टाइम भी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप। स्पैन्स के केस में देख लिया, अगर स्पैन 4.5 meter है तो 7 days, अगर स्पैन 4.5 meter से ज्यादा है तो 14 days, 7 days एंड 14 days, ये स्पैन्स पे भी डिपेंड करता है। आर्चेस में हम लोगों ने देखा कि अगर 6 meter तक आर्च है तो स्ट्रिपिंग टाइम उसका 14 days जनरली होता है, और अगर आर्च ज्यादा स्पैन कर रहा है 6 meter से ज्यादा तो स्ट्रिपिंग टाइम या फिर डी शटरिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 14 days टू 21 days। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स पूछा जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स को भी देख लिया। फिर क्यूरिंग, क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरिंग का टाइम पीरियड देखा हम लोगों ने कि कौन कौन से सीमेंट पे कंस्ट्रक्शन में अगर अलग अलग टाइप का सीमेंट यूज हुआ है तो अलग अलग उसका क्यूरिंग पीरियड होगा डेज में। यहां पे मिनरल्स एंड एडमिक्सचर्स एडेड सीमेंट के केस में भी हम लोगों ने देखा इसका क्यूरिंग पीरियड 14 days है। तो आज हम लोगों ने 3 topic जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू पर्पस से, प्रैक्टिकल से साइट पे जाने के बाद, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, क्यूरिंग, डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रिपिंग टाइम और डी शटरिंग टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जरूर स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट, वेल रिसर्च्ड और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थ्योरी यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।